जय हिंद। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की, खूबसूरत लड़की, वो एक पुलिस के दारोगा के संपर्क में आ जाती है। दारोगा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है, फिर चैटिंग होती है, दोनों का फोन नंबर एक्सचेंज होता है, बातें होने लगती हैं और फाइनली दोनों शादी के बारे में भी सोचने लगते हैं। शादी की बात करते करते दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद लड़की को एक दिन पता चलता है कि जो इंस्पेक्टर है वो किसी और लड़की के साथ भी संबंध बनाता है। अब इतनी बात पता चलनी तो फिर भी नॉर्मल मानी जा सकती है, पर इसके बाद जो असल सच पता चलता है उसे जानकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों के पास शेयर कीजिए और अपना कॉमेंट देना ना भूलें, ताकि हम रेफरेंस ले सकें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर, और वहीं पर 21 किलोमीटर के रेडियस में जगह है बिठूर। बिठूर में एक लड़की जो कि दिखने में खूबसूरत है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। इस लड़की के घर में बूढ़ी माँ है, एक बहन है और पिताजी पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। कुल मिलाकर इस लड़की के सिर पर सारी जिम्मेदारियां हैं और वही एक नौकरी करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया करती थी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे अब परिवार का और समाज का एक दबाव होता है कि जल्द से जल्द शादी कर ली जाए। अब शादी के लिए एप्रोप्रिएट लड़का, अच्छा लड़का ढूंढना, वो अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। अब इतने में क्या है, सोशल मीडिया पर इस लड़की का प्रोफाइल बना हुआ था फेसबुक पर, अचानक से उसको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब जब वो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती है तो देखती है एक स्मार्ट लड़का जो कि पुलिस में अफसर है, उसके द्वारा ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है। वो भी इस लड़के की हैंडसम स्मार्ट पर्सनैलिटी को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है। लड़का बताता है कि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, नाम मेरा सचिन मोरार है और मेरी पोस्टिंग जो है वो कानपुर में है। अब लड़की को जैसे ही ये बात पता चलती है वो एकदम से खुशी के मारे उछल जाती है, क्योंकि वो खुद कानपुर की रहने वाली थी, बिठूर में रह रही थी। अब जब ये बात वो लड़के को बताती है तो लड़का भी खुश हो जाता है। वो कहता है अरे भाई तुम तो बिल्कुल मेरी पोस्टिंग वाली जगह के बिल्कुल नजदीक हो। अब दोनों के बीच में फोन नंबर एक्सचेंज होता है। फोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद बातें होने लगती हैं, घंटों घंटों दोनों के बीच में बातें होती हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप पर होते हैं, कॉल्स होती हैं, यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दोनों फिर मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो दोनों के बीच में आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी कंफर्टेबल महसूस किया करते थे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये जो इंस्पेक्टर था इसने लड़की को बताया कि मैं भी अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे लगता है कि शायद मेरी जो सर्च थी, जो खोज थी वो खत्म हो गई है। अब इसके बाद दोनों का मिलने जुलने का, बातें करने का सिलसिला जारी रहता है। फिर एक दिन दारोगा साहब इस लड़की को रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मिलने के लिए बुलाते हैं। मिलने के लिए जब बुलाते हैं तो अपने कमरे पर ले जाते हैं, कमरे पर जाकर थोड़ी देर दोनों बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद दारोगा और ये लड़की एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। लड़की कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहती है कि मैं ज्यादा नजदीक नहीं आ सकती, शादी से पहले मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती, पर ये जो दारोगा है वो रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहता है कि नजदीक आने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम एक ना एक दिन शादी तो करने ही वाले हैं और मैं और तुम दोनों बालिग हैं। अब ये बात जब लड़की सुनती है तो फिर फाइनली दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब इसके बाद जब ये शारीरिक संबंध बने तो ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि लगातार शुरू हो गया। इसके बाद 10 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक तरफ दोनों फोन पर बातें करते, मैसेजेस करते और दूसरी तरफ शारीरिक संबंध भी लगातार दोनों के बीच में बनते रहे। अब ऐसा लग रहा था कि जाने किस दिन
दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इसके साथ ही दारोगा कथित तौर पर अपनी माँ से भी लड़की की बात करवाया करता। अब जब लड़की दारोगा की माँ से, इस इंस्पेक्टर की माँ से बात किया करती तो उसे और ज्यादा ट्रस्ट हो जाता, विश्वास हो जाता। इसके बाद दारोगा कथित तौर पर यह भी कहता कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। अब इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ गई। लड़की को पता चला कि ये जो दारोगा है वो किसी और महिला के साथ भी संबंध बना रहा है और उसके काफी नजदीक है। जब उसको ये पता चलता है तो वो इस बात का विरोध करती है। अब विरोध करने के लिए वो दारोगा के घर पे जाती है। अब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब वो दारोगा के घर गई तो दारोगा ने कहा कि आप अपनी लिमिट में रहिएगा, अब जब आप इतनी बातें कह ही रही हो तो अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। और इसके साथ ही और भी कई बातें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दारोगा और उसकी जो दोस्त होती है वो इस लड़की को कह देते हैं। आरोप ये भी लगा कि दारोगा और उसकी दोस्त इस लड़की को जान से मारने की धमकी भी दे देते हैं। अब इस लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, काफी समय तक ये सोचती रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों से सलाह लेती है और उसे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाती, पर अभी तक इस लड़की के पास हिम्मत नहीं थी। फाइनली इसने हिम्मत जुटाई और सीधा पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गई। आर के स्वर्णकार उस समय पुलिस कमिश्नर थे, उनके पास पहुंची तो उनको पूरी बात शुरुआत से लेकर आखिर तक बताई कि किस तरह से वो सोशल मीडिया के थ्रू इस लड़के के, इस दारोगा के संपर्क में आई। लड़की ने कहा मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि दारोगा के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया जाए। अब जैसे ही ये बात कमिश्नर साहब सुनते हैं, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो थाने में फोन करके कहते हैं कि इस दारोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। अब जब वो आदेश दे देते हैं उसके बाद ये बात दारोगा को पता चल जाती है और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दारोगा किसी तरह से ये मामला दर्ज नहीं होने देता और इस पूरे मामले को निचले लेवल पर मैनेज कर लेता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कथित तौर पर लड़की को भी समझाने बुझाने डराने की कोशिश की जाती है और मामला फिलहाल के लिए शांत हो जाता है। अब फिर थोड़े दिन में पता लगता है कि जिन पुलिस कमिश्नर साहब से शिकायत की थी उनका तो तबादला हो गया। अब इसके बाद नए पुलिस कमिश्नर आ जाते हैं, अखिल कुमार। अब नए पुलिस कमिश्नर की ज्वाइनिंग के बाद लड़की एक बार फिर से हिम्मत जुटाती है और पहुंच जाती है उनके पास। अब उनके पास जाकर फिर से शुरुआत से सारा मामला बताती है और बताती है कि किस तरह से पुराने कमिश्नर साहब ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे पर किसी तरह से मामले को मैनेज कर लिया गया। अब जैसे ही नए पुलिस कमिश्नर को यह बात पता चलती है वो फौरन मामला दर्ज करने के आदेश दे देते हैं। अब लड़की खुश हो जाती है पर एक बार फिर से रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वही होता है, मामला दर्ज नहीं होता और कथित तौर पर दारोगा अपने लेवल पर यह मामला निचले स्तर पर ही मैनेज कर लेता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कई दिनों बाद लड़की एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत करने का मन बना लेती है। अब दोबारा से लड़की जैसे ही पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचती है इस बार वो रोने लग जाती है। जैसे ही अधिकारी उसे रोते हुए देखते हैं उसे चुप करवाते हैं और जो अधिकारी है वो उसे पहचान भी लेते हैं कि बेटा तुम तो पहले भी आए थे, क्या बात, तुम्हारी समस्या का निदान नहीं हुआ। अब लड़की पुलिस कमिश्नर को सारी बात बताती है कि सर आपने मामला दर्ज करने के आदेश तो दिए थे पर अभी तक मामला दर्ज ही नहीं हुआ, सच्चाई तो ये है कि मामले को दबा दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर काफी नाराज होते हैं और एसीपी अर्चना सिंह को बुलाते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कमिश्नर एसीपी को कहते हैं कि तुम ये पता करने की कोशिश करो कि मामले की सत्यता है क्या, कहीं ऐसा ना हो किसी निर्दोष दारोगा को ऐसे ही झूठे मामले में फंसा दिया जाए। अब इसके बाद इस मामले की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच शुरू हो जाती है। एसीपी अपने स्तर पर जब जांच करती है तो जो सच्चाई पता लगती है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल पता चलता है कि दारोगा तो पहले से शादीशुदा है, उसके साथ ही उसके दो लड़कियों से कथित तौर पर संबंध भी है। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है, उस लड़की को पता चलती है, फिर फाइनली मामला रजिस्टर किया जाता है आईपीसी की धारा 376 और आईपीसी की धारा 506 के तहत। अब इन आईपीसी की धाराओं को भी समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 376 एक
कड़ी धारा मानी जाती है। बलात्कार करने की सजा दोषी को इस धारा के तहत दी जाती है। इसमें मिनिमम जो है 10 साल की सजा और एक्सेप्शनल केसेस में मिनिमम 7 साल की सजा है और अधिकतम सजा जो है वो उम्र कैद यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। वहीं आईपीसी की धारा 506 इसके तहत पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक धमकी के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। अब ऐसे जो केसेस हैं उनसे ये सीख तो ली ही जा सकती है कि अगर कोई किसी भी नौकरी में हो, चाहे पुलिस के किसी बड़े ओहदे पर हो या किसी सिविल सरकारी नौकरी में हो, कभी भी इस तरह के रिलेशन से बचकर रहना चाहिए, कहीं वो आपकी वर्दी पर आपकी नौकरी पर दाग ना लगा दे। नंबर 2, अगर किसी लड़की के साथ कोई अत्याचार किया गया है और सही मायने में केस सच्चा है तो पुलिस के पास जाने से भी नहीं संकोच करना चाहिए, क्योंकि न्याय एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस पूरे केस को सही में सच नहीं मानना चाहिए। अभी ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है और रिपोर्टेड फैक्ट्स पर आधारित है। जब इस मामले में माननीय अदालत अपना फैसला सुनाएगी उसे ही अंतिम तथ्य और सत्य माना जाएगा। जय हिंद।